हाई एवरी वन, दिस इज़ टिम्पल शर्मा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड अ होपोनोपोनो हीलर। सो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ रिलेटिंग टू होपोनोपोनो, इसको यूज़ करके हम कैसे थर्ड पर्सन को अपने मतलब कि सेकेंड पर्सन को राइट सेकेंड पर्सन को हम कैसे हील कर सकते, कोई भी रिश्ता हम कैसे ठीक कर सकते हैं बाई यूजिंग होपोनोपोनो। सो सबसे पहले मैं रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप में आएगा हस्बैंड वाइफ, रिलेटिव्स, नेबर्स, दोस्त, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब कुछ राइट ये सब कुछ रहेगा। सो कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम बुलाना नहीं चाहते, बट उनको फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रजेस होल्ड करके बैठे रहते हैं जिसकी वजह से हम ही सफ़र करते, तो उनको भी फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहते हो कि अगर सामने वाले पर्सन का नज़रिया आपको लेकर बदले, चाहते हो कि हाँ वो पर्सन मेरे को समझने की कोशिश करे, समझ नहीं रही या समझ नहीं रहा या आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा और या नहीं समझ रही, सो उसके लिए आपको ये टेक्निक दे रही हूँ। आपने क्या करना है, जैसे ही सामने, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक पर्सन को, कोई भी पर्सन को आप हील करना चाहते हो राइट, हील करना चाहते हो, उसके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हो, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, तो आप पहले पता करोगे कि हमें पता होता है कि मोस्टली लोग रात को सो रहे होते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग्स होते हैं, या पता करो कि सामने वाला पर्सन कौन से टाइमिंग पे सो रहा है। तो जब वो सो रहा होगा या सो रही होगी उस टाइम पे होपोनोपोनो चैंट करो उस पर्सन को लेकर कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और उसके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें पता है मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ, रिश्ता ठीक कर रही हूँ या रिश्ता ठीक कर रहा हूँ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप डूइंग होपोनोपोनो सीक्रेटली एंड अपने आप तक रखो एंड आप रिज़ल्ट इसके खुद आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। कम से कम आपको 30 डेज़ के लिए ये चीज़ करनी रहेगी होपोनोपोनो। और क्या कहते हैं कि इसका मतलब जब वो सामने वाला पर्सन सो रहा है या सो रही है हमें तभी क्यों करना है, बिकॉज उस टाइम पे उसका हम सभी वी ऑल आर वन एट सोल लेवल राइट। और सबकॉन्शियस माइंड हर पर्सन का उस टाइम पे चाहे सोए ना सोए सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वर्कआउट करेगा ही करेगा। सो इसीलिए अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, तो अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, जिसके भी साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हो, लोगों को फॉरगिव करना चाहते हो, और अगर चाहते हो कि लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, आपको समझने की कोशिश करें, आपको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करें, तो कीप डूइंग होपोनोपोनो एंड ये टेक्निक फॉलो करना स्टार्ट करो। ये न्यू टेक्निक रिलेटिंग टू होपोनोपोनो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बिलो एंड मेरा अपकमिंग कोर्स आ रहा है फ्रॉम 26th of June। अगर आपको अपनी लाइफ को 360 डिग्री के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को हील करना है, देन उसके बाद अलाइनमेंट में लेकर आना, यू कैन जॉइन माई क्लासेस फॉर श्योर। एंड वन मोर थिंग कि ये हो गया होपोनोपोनो वाला हो गया, सो बस ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई टेक्निक्स लाती रहूँगी। हाँ, इसको अभी बहुत लोग बोलेंगे अरे मैम बोलना कैसे है, जस्ट आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप सामने उस पर्सन को इमेजिन करोगे एंड जब वो पर्सन या सो रहा होगा या सो रही होगी उस टाइम पे आप कनेक्ट करोगे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, बस यही करना है, तो आप अपने आप विजिबल रिजल्ट्स आप खुद देखोगे। एंड मैं जल्दी से आप सभी लोगों की सक्सेस स्टोरीज का वेट करूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।